मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। इस मौके एक श्रद्धालु ने बताया कि आज के दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 339 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। रूस के साथ सीमा विवाद के बीच यूक्रेन पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसके बाद देश की कई सरकारी वेबसाइटें बंद हो चुकी हैं। यूक्रेन ने नागरिकों से डरने व इससे भी बड़े खतरे की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ दिखा। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। वीकेंड के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 16,13,740 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 70,07,12,824 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 268,833 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के नालंदा में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के पारिवारिक सदस्यों ने यह दावा किया है कि जहरीली शराब पीने के कारण ही ये मौतें हुई हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जोगेंद्र सिंह मान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने उनका स्वागत किया है। बीते साल सेना की भर्ती में फिजिकल टेस्ट देकर पास होने वाले नौजवानों का सेना द्वारा पेपर ना लिए जाने के रोष स्वरूप आज पंजाब के अलग अलग जिलों से पहुंचे नौजवानों द्वारा रामा मंडी में चक्का जाम कर दिया गया।